बात आई कब्ज की। अरे कब्ज तो एक दिन में ठीक, चबा चबा करके खा, सेब खा, पपीता खा, बगुगवच खा, अमरूद खा, साग सब्जियां खा, चबा चबा के खाने में कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोग 10-15 मिनट में कार्यक्रम पूरा, कुछ तो 5 ही मिनट में ऐसे खाते घर का माल भी जैसे चोरी का माल खा रहे हो, पसीने आ जाते खाते का। एक बहुत बड़ा आदमी करोड़ों रुपए का मालिक, बोले जी मैं खाने को भी कम समझता हूँ, जितना जल्दी निपट जाए उतना ठीक। हर आदमी ने दिमाग में ऐसे गलत प्रोग्रामिंग कर रखी, हर चीज की गलत प्रोग्रामिंग। 99% चीजों में, आहार के संदर्भ में, विचार के संदर्भ में, वाणी व्यवहार के संदर्भ में, आचरण के संदर्भ में, संबंधों के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में गलत दिमाग की गलत प्रोग्रामिंग कर रखी है। कॉन्स्टिपेशन कोई बीमारी नहीं, मात्र हमारे, देखो मैं 10-15 बड़ी बीमारियां जिन पूरी दुनिया जिसमें मरी जा रही है, लूटी जा रही है, जीवन को खराब कर रहे हैं, परिवार को तबाह कर रहे हैं, भगवान की दी हुई सौगात का अनादर तिरस्कार कर रहे हैं, कब्ज की कोई बीमारी है? लेकिन 50% प्लस लोगों को कब्ज है, बाकी को क्या है, गैस कब्ज, एसिडिटी है, बाकी को क्या है, कोलाइटिस है। कब्ज तो त्रिपला से, कायाकल्प सर्वकल्प से, अभयारिष्ट से और खान पान से ठीक हो जाएगी। एक खान पान ठीक करना, दूसरा थोड़ी सी औषध कर लो, तीसरा योगाभ्यास कर। अरे आते ठीक रहे, कब्ज कैसे रहेगा।